हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मेयोनीज आलू टिक्की सैंडविच, जिसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग है, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना देर के हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 6 पीस उबले हुए आलू को ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 15 पीस क्रश की हुई हरी मिर्च को और साथ में डालेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को डालेंगे, साथ में आधी चम्मच नमक को डाल देंगे और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि आलू में हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, ये सारी चीजें आलू में मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हम इन सारे मिक्सचर को आलू में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसकी बड़ी बड़ी टिक्की बना लेंगे। सबसे पहले हम इसे गोल शेप देंगे और इस तरह से फ्लैट करते हुए सारी टिक्की को इसी तरह से बना लेंगे। अब हम इसे रखते हैं एक साइड में और चलते हैं इसकी कोटिंग के प्रोसेस पे, जिससे कि टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो इसके लिए हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को ले लेंगे और साथ में 4 चम्मच मैदे को ले लेंगे और थोड़ा सा नमक। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी स्लरी बना लेंगे। एक साथ ही ज्यादा पानी ना डालें, नहीं तो गीला हो सकता है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा पतला सा पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से टिक्की भी तैयार है, स्लरी भी तैयार है। तो अब हम तवे पे इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालकर इसे अच्छे से सेक लेंगे, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सके। तो हम तवे पे सबसे पहले तेल को डालेंगे और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तो टिक्की को स्लरी में डिप करके हम इसे गर्म तेल में तवे पे डाल देंगे। इस तरह से हम 3 पीस को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। टिक्की जब एक तरफ से अच्छे से पक जाए, तभी हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे और इसके चारों तरफ तेल को डाल देंगे। और ये देखिए, हम इस तरह से इसे पलट देंगे। फ्लैट वाला स्पून रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आलू टिक्की को दूसरी तरफ पलटने के बाद हम इसके ऊपर तेल को गिरा देंगे और फिर से हम इसे हाई फ्लेम पे ही पकने देते हैं। इस तरह से हम दबाते हुए इसे क्रिस्पी होने तक पका लेते हैं। और ये देखिए, टिक्की हमारी क्रिस्पी हो गई है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे टिक्की को फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। अब हम सेम तवे पे ब्रेड को रोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम तवे पे बटर को डाल देंगे और बटर को मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जब बटर मेल्ट हो जाए, तो हम इस पे ब्रेड की स्लाइस को रख देंगे और इसे दोनों तरफ से रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से दोनों तरफ से पलटते हुए रोस्ट कर लेंगे इस तरह से। ब्रेड के 8 पीस को इसी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे और जब ये इस तरह से दोनों तरफ से ब्राउन कलर आ जाए, तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सैंडविच बनाने के लिए सारी चीजें बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इसकी लेयरिंग लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेट लेंगे और उसमें ब्रेड को रखेंगे। ब्रेड के ऊपर मेयोनीज को डालेंगे, उस पे गाजर, टमाटर, प्याज को डालकर ऊपर से टोमेटो केचप को डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे शिमला मिर्च, जिसे मैंने बहुत ही बारीक कट कर लिया है। उसके ऊपर पत्ते गोभी को रखेंगे और एक आलू टिक्की को रख देंगे। पत्ता गोभी को मैंने किनारों से इस तरह से कट किया हुआ है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम टिक्की के ऊपर 1 चम्मच मेयोनीज और 1 चम्मच टोमेटो केचप, इन दोनों चीजों को हम आपस में अच्छे से मिक्स करके टिक्की के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। इस तरह से फैलाने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से ब्रेड को रखेंगे और ब्रेड को रखने के बाद इसके ऊपर हम फिर से वही वाली लेयरिंग लगाएंगे। सबसे पहले मेयोनीज को लगाएंगे, अच्छे से ब्रेड पे फैला लेंगे और मेयोनीज अप्लाई करने के बाद हम इस पे रखेंगे खीरा को, साथ में टमाटर और प्याज को। इन तीनों चीजों को मैंने राउंड शेप में ही कट किया है। तो अब हम इस पे बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को डालेंगे और थोड़ा सा टोमेटो केचप को, 1 चम्मच टोमेटो केचप को डाल देंगे।
केचप डालने के बाद हम फिर से इसके ऊपर पत्ता गोभी के पत्ते को रखेंगे और इसके ऊपर एक टिक्की को रख देंगे। फिर से हम मायोनीज और टोमेटो केचप को लेंगे और इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और टिक्की के ऊपर फैला देंगे। इसी तरह से तीन लेयरिंग को सेट कर लेंगे, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसी तरह से हमें तीन लेयरिंग को सेट कर लेना है। ये देखिए, ये तीन लेयरिंग बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गई हैं। तो अब हम इसे भी फैला लेंगे और लास्ट में ऊपर से शिमला मिर्च को डाल देंगे और अलग से हम एक ब्रेड लेंगे और उस पर मायोनीज को लगाएंगे इस तरह से, और टिक्की के ऊपर हम इसे इस तरह से रख देंगे। और ये देखिए, हमारा बिगेस्ट सैंडविच बनके तैयार हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। ये देखिए, इसकी लेयरिंग कितनी सुपर बनके तैयार हुई है। तो आप इसे एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।